Davinder Singh Kang, who had qualified for the men's javelin throw final of the recent world championship, produced a poor throw of 75.12 to win the gold at the ongoing 57th National Open Athletics Championship. आज मेरा लाइफ बेस्ट पेन था मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना भी पेन मैंने इस साल के मेरे मतलब मेरे शोल्डर में आया ये मतलब आज सबसे बेस्ट पेन था आज मेरे सुपर पेन मतलब सबसे ज़्यादा पेन हुआ आज मेरे सो उसके कारण मैं बिल्कुल एफर्ट नहीं दे पाया अपनी थ्रो के ऊपर वार्म अप थ्रो ओनली 65 मीटर नो मतलब मेरा टारगेट कुछ और था कि यहाँ क्वालिफाई करूँ वर्ल्ड अपना कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स का सो मतलब बेस्ट एफर्ट देने के कारण वो मैं यहाँ नहीं कर पाया. In the absence of the national record holder Neeraj Chopra, Kang was the favorite and he lived up to the billing. Kang, whose personal best is 84.57 meter, was not at his best. The muggy conditions in Chennai seemed to affect his performance. कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साल का लास्ट कंपटीशन था मेरी सोच कुछ और थी या मैं इंप्रूव नहीं कर पाया कोई बात नहीं है लेकिन अभी कॉमनवेल्थ गेम्स का क्वालिफाई है जो अगले साल के स्टार्टिंग में है सो मैं कोशिश करूंगा कि वहां जाके मतलब एक नया टारगेट अचीव करूं और अपना मतलब रिकॉर्ड बीट कर सकूं अपना जो मैंने पर्सनल बना रखा है और मतलब मेरी जो प्रैक्टिस बेस्ट थ्रो है वो 88 मीटर प्लस है सो 75 टू 88 मीटर मतलब 13 मीटर का डिस्टेंस होता है 13 मीटर 13 मीटर नीचे आने से मतलब बहुत बुरा फील हो रहा है मेरे को ये गोल्ड मायने नहीं रखता गोल्ड मेरे पास बहुत है नेशनल के मेडल बहुत है मैं चाहता हूँ कि कुछ देश के लिए एक बड़ा मेडल लेके आऊँ कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आऊँ एशियन गेम में गोल्ड मेडल लेके आऊँ सो मैं अपनी प्रैक्टिस वाली थ्रो मतलब बीट करना चाहता हूँ मेरा टारगेट यही है. नो मैं मतलब इटली जाने का बिल्कुल वो नहीं हूँ कि ना मैंने कहीं बोला है कि मैंने ये बोला था कि इंडिया को मतलब थोड़ी सपोर्ट करनी चाहिए कि मतलब इंडिया से पहले मेरे को इटली सपोर्ट कर रहा है रिसेंटली उन्होंने मेरे को भेजा भी है कि हाँ आपका ये प्लेस है ये ट्रैक है यहाँ आप रहोगे ये घर है आपका ये गाड़ी है उन्होंने जो भी मनी मेरे को बोली मैंने उस चीज़ को मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए वो मनी मेरे को मेरे देश में रह के क्योंकि मैंने 6-7 बार अपने देश को रिप्रेजेंट किया है जिनमें 2-3 बार मेडल भी दिए मैंने और मुझे इंडिया ही अच्छा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने देश के लिए खेलता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है कि अगर भी नेक्स्ट ईयर भी मतलब अपने देश की तरफ से खेलूँ मतलब कोई ऐसी इच्छा नहीं है मेरी कि मैं बाहर जाऊँ. चेन्नई का वेदर ये था कि कल बारिश हो रही थी तो उसके कारण जैवलिन के ग्रिप जैसे गिले हो गए उसके बावजूद 74 मीटर ठीक थी क्वालिफाई कर दिया ये लेकिन आज फ्रंट साइड से थोड़ी हवा चलने के कारण मेरे को लगता है कि सभी का कंपटीशन थोड़ा डाउन गया है और मतलब एक तो स्टेडियम के अंदर होना चाहिए था 100% के इंडिया के अंदर अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है मेरे को जैसे दिल्ली में नेहरू स्टेडियम है वहाँ भी फुटबॉल का कंपटीशन होने के कारण वहाँ भी आउटसाइड में होता है और वहाँ मेरे जो पेन हुआ है उसका रीज़न यही था कि आउटसाइड में कॉम्पिटिशन खेलना वहाँ ट्रैक खराब होने की वजह से मेरे पेन हुआ था. अब सेकंड में मेरे को यहाँ आके भी ऐसा फील हुआ कि मेरे को यही था कि अंदर स्टेडियम में वो होगा तो कंपटीशन सो वहाँ तो मतलब यहाँ आके पता चला कि बाहर हो रहा है आउटडोर में और आउटडोर का आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लो हवा का बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण मतलब जैवलिन एक 800 ग्राम की है वहाँ फ्रंट से हवा लगने के कारण वो थोड़ा डिस्टर्बेंस बहुत होती है और हमें मतलब एक अच्छा टारगेट या एक अच्छी थ्रो का मतलब लगाने का वो नहीं मिलता. मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपकमिंग कंपटीशन जो अगले साल होने वाला है अभी उसके लिए मेरे पास 4 से 5 महीने पड़े हैं मैं वहाँ पर जो पटियाला में होगा पहला कंपटीशन मेरी तैयारी सबसे पहले तो यही रहेगी कि मैं अपने शोल्डर का ट्रीटमेंट करवाऊँ क्योंकि इसके कारण मैं अपना बेस्ट एफर्ट दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे कि अपनी ग्राउंड की बेस्ट बताऊँ तो थ्रो आपको मैंने ग्राउंड बेस्ट 88 मीटर लगाई है और मोस्टली मतलब 120 प्लस बार वहाँ थ्रो लगाई हुई है 86 प्लस और जो मेरा टारगेट है वो इस साल का 90 प्लस था सो बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने अपना टारगेट वो अचीव नहीं किया है सो नेक्स्ट कंपटीशन की फुल प्रिपेयर करके आऊँगा और पहले ही कंपटीशन की पहली थ्रो में क्वालिफाई करूँगा और एक अच्छी थ्रो के साथ क्वालिफाई करूँगा ये मतलब मेरा प्रॉमिस है अब सबके साथ.